इसका मिसयूज़ करके पब्लिसिटी करना, इट्स नॉट फॉर गुड फॉर एवर। यहाँ के लोगों की मेंटालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मेरी फ्रेंड ने उनको स्लैप करा कि प्लीज़ स्टे अवे, ठीक है ना, आपकी भी बेटी है, मैं भी आपकी बेटी जैसी हूँ। हमेशा होता है, गाना गाते हैं, देखते हैं, एज अ गर्ल नहीं देखते उसे, एज अ लाइक सेक्स वेपन देखते हैं, जैसे भी देखते हैं। बहुत सही मूवमेंट है, मतलब सबको सपोर्ट करना चाहिए। नमस्कार, आपका स्वागत है वीके न्यूज़ में और मैं हूँ शिल्पा गुप्ता। इन दिनों हैशटैग मीटू की हर जगह चर्चा है। इस मूवमेंट के तहत महिलाएं अपने ऊपर हुए यौन शोषण की आपबीती सोशल मीडिया के जरिए साझा कर रही हैं और इस मूवमेंट को कहीं ना कहीं गलत भी बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि महिलाएं इस मूवमेंट का बेजा इस्तेमाल कर रही हैं, ब्लैकमेलिंग के लिए यूज़ कर रही हैं। लेकिन आज हम दिल्ली के साकेत में आ गए हैं। यहाँ हम एक मेट्रो स्टेशन पर है। यहाँ हम पूछेंगे आम लड़कियों से कि उनकी क्या राय है हैशटैग मीटू मूवमेंट के बारे में और क्या कभी उनके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है। वुमेन सेफ महसूस नहीं करती, उनको प्रोटेक्शन देनी चाहिए और वुमेन बॉयज़ को भी समझना चाहिए कि उनकी भी मदर सिस्टर्स हैं उनके घर पे, तो उनके अकॉर्डिंग इनको ट्रीट करना चाहिए और किसी लड़की को ऐसे बैडली टच नहीं करना चाहिए। उसकी काफ़ी एक बोलते हैं ना, जैसे लड़कों को अफेक्ट नहीं पड़ता बट लड़कियों की लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। आपके साथ भी कभी हुआ जैसे मेट्रो में कभी ट्रैवल करते हुए, कभी कैब में या कभी वर्क प्लेस पर ही कुछ ऐसा ही गलत हुआ और आपने आपको भी बुरा लगा हो? नहीं, मेरे साथ तो नहीं, पर मेरी फ्रेंड के साथ हुआ था। उसके जो फादर हैं उनके एक दिन वो ट्रैवल कर रही थी कार में, उनके फ्रेंड के साथ ही, पापा के फ्रेंड के साथ दोनों थे एक्चुअली। 5-10 मिनट के लिए उसके फादर गए तो क्या बोलते हैं, उसके जो फ्रेंड थे पापा के फ्रेंड, वो उससे वो करने लगे, बदतमीजी टाइप, गलत तरह से टच करने लगे, बात करने लगे। तो मेरी फ्रेंड ने बोला मत करो, वो फिर भी करने लगे। उनको लगा वो कमज़ोर है, लड़कियाँ कमज़ोर समझते हैं, बट उन्होंने क्या करा, उसने बोला, एक दो बार बोला, वो नहीं समझे, उन्होंने मेरी फ्रेंड ने उनको स्लैप करा कि प्लीज़ स्टे अवे, ठीक है ना, आपकी भी बेटी है, मैं भी आपकी बेटी जैसी हूँ एक्चुअली। फिर इवेंचुअली उसके पापा, उसके फादर भी आ गए, फिर उनको मिल गई। आई डोंट थिंक सो कि कुछ गर्ल्स ऐसी हैं जो उसका मिसयूज़ कर रही हैं और कुछ गर्ल्स सही है जो अपने आप को सिक्योर करती हैं, बट जो सिक्योर करती हैं वो दिख जाती हैं कि वो अपने आप को सिक्योर कर रही हैं, बट सम गर्ल्स आर मेक अ इशू फॉर दैट काइंड्स ऑफ टू मेक अ सम अपने आप को ज़्यादा दिखाने के लिए, सो दैट्स व्हाई। एक्चुअली जो बहुत पहले हुआ था उसे अब बता रहे हैं लोग काफ़ी साल बाद। मुझे लगता है अगर कभी भी ऐसा होता है तो सही टाइम पे बताना चाहिए उन्हें, मतलब शर्माना नहीं चाहिए जो भी हुआ है, क्योंकि जो भी गलत करता है उसके खिलाफ एक्शन ऑन द स्पॉट हो, दैट इज़ बेटर। मतलब आप बहुत सालों के बाद अगर कुछ बता रहे हैं दैट्स गुड, बट उसके खिलाफ कोई बहुत अच्छा एक्शन नहीं हो पाएगा इससे। एक्चुअली इट्स नॉट अ जोक, इट्स अ वेरी सीरियस मैटर। कोई लड़की अपने लिए आवाज़ उठा रही है, ये बहुत बड़ी बात है, उसका मतलब उसका कुछ गलत हुआ है और हम सबको उसका सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हम खुद एक लड़की हैं, हम जानते हैं हमारी कंट्री में ऐसे ऐसे लड़के हैं, हर दिन इतनी बुरी तरीके से देखते हैं। तो मैं सीरियसली बोलना चाहती हूँ कि बहुत सही मूवमेंट है, मतलब सबको सपोर्ट करना चाहिए। ऑल डे इट हैपेंस, हमेशा होता है, गाना गाते हैं, देखते हैं, ठीक है, अब हम इस टाइम पे आ गए कि हम अपनी वॉइस रेज कर सकते हैं, लेकिन जब वो पहले हुआ तो हमें इसकी समझ नहीं थी, लेकिन अब हमें पता है कि हमें रिएक्ट कैसे करना है। और ये हर लड़की की लाइफ में एट एनी मोमेंट कभी भी होता है और हमें सबको इसको रिवर्ट बैक करना चाहिए। तो हैशटैग मीटू मूवमेंट चल रहा है इसलिए आपने ये शर्ट पहनी है, लेस बॉयफ्रेंड मोर फ्रेंड्स। तो आप अभी हो गए हो कि नहीं बनाना बॉयफ्रेंड, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हो लड़कियों को कि क्या करें, वो इस कैंपेन में जुड़े, इस मूवमेंट में जुड़े या फिर क्या करें? उन्हें अपनी वॉइस रेज करनी चाहिए और उनके लिए करके दिखाओ, अपनी वॉइस उठाओ। तो हम अगर जब तक हम खुद की मदद नहीं कर सकते, कोई हमारी मदद नहीं कर सकता। जैसे अभी मैं सुन रहा हूँ कि अब क्या हो रहा है कि लोग पहले ही साइन करवा ले रहे हैं कि आगे कुछ होना जाए, ऐसा कुछ होना जाए, अगर हम काम कर रहे हैं तो पहले से ही एक दिमाग में बंदों के बात है इस टाइप की भी कोई चीज़ हो रही है। मैम, आई पर्सनली थिंक दैट इट्स कमिंग वेरी मच इन अब अवेयरनेस एक्चुअली इन द वर्ल्ड, बट इट्स ऑलवेज बीन देयर। मतलब मी टू इज गेटिंग फेमस राइट नाउ लॉट एंड दैट्स अ गुड वे टू स्प्रेड अ वर्ड, बट द रियलिटी रिमेन्स कि असलियत में ऐसा हमेशा ही होता रहा है। मतलब लगता है कि स्टोरी तो स्टोरी होती है, पर अब एक ऐसा मोमेंट आ गया जिसके लोग बता रहे हैं। एग्जैक्टली, अब इट्स स्प्रेडिंग एज अ न्यूज़, मतलब बेसिकली, एंड इट्स स्प्रेडिंग इन गुड अवेयरनेस दैट पीपल आर कमिंग आउट। मतलब पहले तो इनिशियली एक दो लोगों ने एज अ स्टेटमेंट ऑफ एम्पैथी उसको शुरू किया,
बट अब मतलब बहुत ही अवेयरनेस ऑफ कितना सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है लड़कियों के थ्रू, उसकी तरह स्प्रेड हो रहा है, तो इट्स अ गुड चेन, आई मीन आई वुड से, बट इट इज़ नॉट दैट समथिंग इज स्टार्टेड हैपनिंग जस्ट नाउ. मतलब इट्स ऑलवेज बीन देयर विद गर्ल्स, आई मीन दे ऑलवेज हैड दीज स्टोरीज, जस्ट दैट दे आर कमिंग फॉरवर्ड विद दिस एंड दैट्स अ वेरी गुड मूवमेंट पुट फॉरवर्ड इफ पीपल टेक इट रियली सीरियसली. आई थिंक ये छुपी हुई चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता थी कि लड़कियाँ क्या फेस करती हैं अपने वर्क प्लेसिस पे या फिर अपने रिलेटिव के साथ भी ऐसा हुआ है, तो थोड़ा शर्मनाक है, नहीं होना चाहिए था ऐसा. बाकी ये भी है कि इसमें थोड़ा ड्यूल फेसेस भी हो सकते हैं कि अपना पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है या फिर अपने फ़ायदे के लिए भी, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए भी किया जा सकता है. बाकी जो स्टोरीज़ हैं प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन वगैरह हो तो ज़्यादा बेटर है. बाकी ऐसा कुछ सुनने में हमें तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि जो ये निकल के आ रहा है. नो, एज अ गर्ल आई डोंट थिंक कि कोई लड़की अपने आप को ऐसा मीन्स, क्योंकि इस दुनिया में सब लोग चाहते सोचते हैं कि कोई लड़की कुछ बोल रही है तो फिर वो जैसे आपने कहा पब्लिसिटी स्टंट या किसी चीज़ के लिए बोल रही है, लेकिन हर लड़की ऐसा नहीं होती. मैं मानती हूँ कुछ लोग होते भी है बट नॉट टोटली, एंड कोई लड़की अपने आप को इन सब चीज़ों में इंडल्ज करना पसंद भी नहीं करती. हाँ, तो जो आ रही है अपने आप के पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉइंट ऑफ व्यू को लेके, तो आई डोंट थिंक कि इट्स बैड, इट्स गुड. तो जैसे बोला जा रहा है कि तनुश्री इतने सालों से कहाँ थी, इतने सालों के बाद बोल रही है, तो उन सबको लग रहा है कि ब्लैकमेलिंग का भी एक तरह से ब्लैकमेल होने के लिए, ब्लैकमेलिंग करने के लिए या फिर लाइमलाइट में आने के लिए लड़कियाँ ऐसे कर रही है, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि लाइमलाइट में आने के लिए वो ये सब कर रही है, हो सकता है कि कर रही हूँ, पर एटलीस्ट उनकी बात सुननी तो चाहिए, दोनों पॉइंट मतलब दोनों उसकी बात सुननी चाहिए. अगर उन्हें लगता है नाना पाटेकर को कि नहीं उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, तो उन्हें डरने की कोई ज़रूरत है भी नहीं वैसे उससे, तो फिर वो तो सब उन्हीं का है. लेकिन फिर भी होना चाहिए, दोनों साइड से होना चाहिए, दोनों साइड से दोनों पार्टीज़ की बात सुननी चाहिए. हाँ, कुछ इसका मिसयूज़ करके वो पब्लिसिटी चाहती हैं, बट ये पब्लिसिटी आई डोंट थिंक सो इट्स अ गुड फॉर ऑल अवर. इसका मिसयूज़ करके पब्लिसिटी करना, इट्स नॉट फॉर गुड फॉर एवर इन द फ्यूचर और इन अ प्रेजेंट. एक सोशल मीडिया पे अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करना हरासमेंट है, तो असली हरासमेंट हुई थी उसका क्या हुआ? मतलब कितने समय से, सालों से लड़कियों ने कुछ बोला भी नहीं है. मतलब पर्सनली हम अपनी फैमिली में भी कुछ होता है तो शेयर नहीं करते हैं, तो आई वुड से कि मतलब हरासमेंट ये नहीं होती है अपने व्यूज़ शेयर करना, अपनी फीलिंग्स शेयर करना. उनको भी कुछ लगता है, दे कैन पुट फॉरवर्ड, दे कैन स्पीक अबाउट इट. आई एम नॉट सेइंग एवरी गर्ल इज सेइंग द राइट थिंग, बट इट डजंट मीन दैट द मेजॉरिटी इज़ नॉट. आई मीन एक दो गलत, एक दो एक्सटर्नैलिटी के फैक्टर की वजह से ये बोलना कि सारी लड़कियां गलत हैं वहाँ पर, या ये चीज़ ही पूरा कंसेप्ट गलत है, तो आई थिंक दे नीड टू डाउट देमसेल्व्स कि व्हाट क्रिएटेड दिस. ये स्टार्ट तो लड़कों से हुआ ना, मतलब उनको रिएक्शन किसका आ रहा है, तो वहाँ पे उनको अपनी फीलिंग्स शायद थोड़ी ज़्यादा डाउट करनी चाहिए. मजाक है वो, क्योंकि वो हमारी जगह नहीं है, वो समझती नहीं है कि हम क्या हैं क्या नहीं है. उन्हें कब हमारी जगह खड़े होकर सोचना चाहिए था गर्ल की, हम कितना कुछ फेस करते हर दिन. इंडिया के लॉज इतने अच्छे नहीं है, लेकिन उन्हें लोग फॉलो नहीं करते, और यहाँ के लोगों की मैंटेलिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है. बॉयज़ कैसे देखते हैं, और वो एक एज अ गर्ल नहीं देखते, उसे एज अ लाइक सेक्स वेपन देखते हैं, जैसे भी देखते हैं, तो लाइक वो एक तरीका, मतलब उनकी सोच काफ़ी अलग है, तो ये चेंज नहीं हो रहा इंडिया में. सोसाइटी में नाम ख़राब होता है अगर बाद में ये पता भी लगता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तो उसके बाद भी उस चीज़ को उतना कवर नहीं किया जाता जितना अभी इस चीज़ को कवर किया जा रहा है. जैसे अभी रोहतक गर्ल्स के केस में भी हुआ था, जिसमें दो ढाई साल तक लड़के मतलब लगे रहे, उनको अपने आप को मतलब इनोसेंट प्रूव करने के लिए 3 साल लगे, ना वो जॉब कर पाए, ना वो एग्ज़ाम के कुछ प्रिपेयर कर पाए होंगे, तो उनका नहीं हो पाया, तो इससे बहुत ज़्यादा इशू होता है. तो मीटू मूवमेंट अच्छा है, निकलना चाहिए, लोगों जो लोग कर रहे हैं ऐसा उनको उनके बारे में पता होना चाहिए सोसाइटी को, लेकिन डायरेक्ट किसी को लेबल कर देना सही नहीं. जैसे हैशटैग मीटू मूवमेंट है, ऐसे एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ है हैशटैग मेंटू मूवमेंट, उसमें लड़के भी बता सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि बस महिलाओं के साथ ही होता है, पुरुषों के साथ भी होता है हैरेसमेंट वर्क प्लेसेस में. उसके बारे में आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है कि कहीं ट्रैवल करते हुए किसी आदमी ने या बड़े आदमी ने किसी कंपनी के या कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा तो अभी तो कुछ फेस करने को नहीं मिला है. बाकी अगर ऐसा कुछ है, अगर लोग निकल के आ रहे हैं, तो प्रॉपर वही है कि जैसा लड़कियों के बारे में देखा जा रहा है कि वो अपनी कहानियाँ बताए, तो उनको भी प्रॉपर उसी वे में लेना चाहिए. ये नहीं है कि लड़की ने बताया तो इसके लिए कुछ ज़्यादा अलग से हुआ होगा या फिर इसको ज़्यादा हमें ध्यान देना चाहिए. अगर लड़के के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो उसके साथ भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन वैसा ही होना चाहिए, उसके लिए भी हमें उतना ही ध्यान देना चाहिए कि क्योंकि दोनों एक ही जगह काम कर रहे हैं ना, हम इक्वालिटी की बात करते हैं, तो दोनों तरफ से हमें देखनी चाहिए. ऐसा पहले एक्ट्रेसेस सामने आ रही थी इस चीज़ के लिए, फिर एक्टर्स भी आए, ऐसा नहीं है बस लड़कियों के साथ ही होता है, ये लड़कों के साथ भी होता है, तो कभी ऐसा कुछ आपको फील हुआ हो कहीं ट्रैवल करते हुए? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ मेरे साथ,
इंडिया ठीक है मेन के लिए। मैं मानती हूँ कि जब हो तभी आवाज़ उठानी चाहिए, बट समटाइम प्रेशर हो जाता है तो उस वजह से होता है। बट हाँ, उस टाइम करोगे तो ज़्यादा मतलब वो होगा स्ट्रिक, मतलब तुरंत एक्शन मिल जाएगा उसके अगेंस्ट, बाद में जाके वो आपको एकदम उस पर गलत साबित कर सकता है, बट उस टाइम पे आपको सपोर्ट मिलेगा ऑफकोर्स। जैसा कि आपने सुना, लड़कियों को कहना है कि ये एक तरह से सही मूवमेंट है कि लड़कियाँ अपने दिल की बातें कह रही हैं, अपनी समस्याएँ बता रही हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, पर कभी भी इसका गलत इस्तेमाल करना गलत बात है, इसका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हम कह सकते हैं हैशटैग मीटू मूवमेंट से लड़कियों की मुसीबत तो दूर नहीं हुई है, पर उन्हें एक हौसला मिल गया है अपनी बात कहने का, अपनी बात बताने का। तो आपके पास भी अगर आपके साथ भी कुछ ऐसी आप बीती हुई हो कभी, तो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा, जैसे इन लड़कियों ने क्या है, ये बोल्ड होकर बता रही है इनके साथ क्या हुआ है। तो आप भी शेयर करिए हमारे साथ और देखते रहिए ऐसे ही वीके न्यूज़। शुक्रिया।